नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो मैं करने वाला हूँ उसमें मैं आपको कंप्लीट स्टीयरिंग का कंट्रोल दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ स्पीड ब्रेकर में क्लच को किस तरह से कंट्रोल करते हैं उसके बारे में वीडियो करूँगा। फ्रेंड, स्टीयरिंग का कंट्रोल सबसे पहले आपको बता दूँ मैं कि जैसे हम होल्ड करते हैं स्टीयरिंग को, वो मैटर करता है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा सिंगल हैंड ऑपरेशन किस तरह से मैंने ट्रैफिक में किया था, तो यहाँ पे आपको मैं पहले सबसे पहले ये समझाऊंगा कि किस तरह से हमें होल्ड करना चाहिए, कौन सी पोजीशन में हमें होल्ड करना चाहिए, स्लो हो तो कैसे होल्ड करना चाहिए या फिर आप फास्ट चला रहे हो तो कैसे होल्ड करना चाहिए। साथ ही साथ क्लच का मूवमेंट आप देख सकते हैं मेरा, तो फुट मूवमेंट कम्प्लीटली आपको दिख सकता है। फ्रेंड ये देखिए, एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच पे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। फुट मूवमेंट में आपने क्लच का सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है जब भी आप ट्रैफिक में होते हैं या फिर आप अपशिफ्ट या डाउन शिफ्ट कर रहे होते हैं ट्रैफिक में, इसलिए होता है कि आपको बार बार क्लच प्रेस करना पड़ता है उसी गियर में। सपोज आप फर्स्ट गियर में तो थोड़ा आगे बढ़ाए फिर स्टॉप करना पड़ा, तो उसी गियर में बहुत बार क्लच प्रेस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप खुले एरिया में हैं, खुले एरिया मतलब आप जो ओपन स्पेस में ड्राइव करेंगे, तब आपको सिर्फ अपशिफ्ट या डाउन शिफ्ट में प्रेस करना होता है। अभी देखिए, जैसे मैंने अपशिफ्ट किया फर्स्ट फर्स्ट गियर से सेकेंड गियर, तो अपशिफ्ट के टाइम में मैंने क्लच प्रेस किया, उसके बाद मैं कम्प्लीटली एक्सीलेटर से ही कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी कार को। अगर रिक्वायर्ड होगी तो मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा। तो जो कि है स्पीड ब्रेकर की बात, फ्रेंड्स स्पीड ब्रेकर में हमें क्लच ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। गियर जब हम डाउन शिफ्ट करते हैं उस समय भी, जब क्रॉस कर रहे होते हैं स्पीड ब्रेकर को तब भी, और फिर जब क्रॉस कर चुके होते हैं उसके बाद हम क्लच को रिलीज करते हैं। अभी देखिए सामने दो स्पीड ब्रेकर आ रहा है, मेरी कार जो है सेकेंड गियर में है। मैं सबसे पहले कार को एकदम कम्प्लीट स्टॉप की तरफ ले जाऊंगा। ये देखिए, ये फर्स्ट गियर मैंने लगाया, मेरा जैसे ही फर्स्ट जो आगे के दोनों व्हील्स हैं, जैसे ही फर्स्ट स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करेंगे या आप बोल सकते हैं कोई भी स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करेंगे, तो उसके बाद मैं क्लच को रिलीज करके थोड़े से पावर दूंगा अपने व्हील्स को। अभी देखिए सामने फिर से दो स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, मैंने क्लच प्रेस किया, ब्रेक अप्लाई की। ये देखिए फर्स्ट क्रॉस हुआ, सेकेंड क्रॉस हुआ, मैंने फिर फर्स्ट गियर लगा के क्लच को रिलीज किया ताकि मेरे कार को थोड़ी सी पावर मिले और पीछे का व्हील्स भी स्मूथली निकल जाए। तो फ्रेंड्स आगे फिर से स्पीड ब्रेकर आ रहा है, मेरे आगे कार भी है, तो मैं स्लो डाउन किया हूँ। ये देखिए कार को क्लच प्रेस किया मैंने, जैसे ही मेरा स्पीड ब्रेकर फर्स्ट जो दोनों व्हील्स है क्रॉस की है स्पीड ब्रेकर ने, तो मैं फर्स्ट गियर लगा के क्लच को रिलीज कर दिया हूँ। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपके आगे वाले जो व्हील्स हैं आराम से स्मूथली निकल जाते हैं। उसके बाद क्या है, पीछे आप जब हल्की सी एक्सीलेटर देते हैं तो क्या है, स्लोली से पीछे वाले व्हील्स भी निकलते हैं और जर्क नहीं होता है। तो ये वीडियो में फ्रेंड्स यही बताना चाह रहा था कि किस तरह से हमें क्लच को हैंडल करना चाहिए स्पीड ब्रेकर में स्पेशली। अभी देखिए फिर से वही ऐसा स्पीड ब्रेकर आ गया है, मैं कंट्रोल करूंगा, सेकंड गियर में हूँ। ये देखिए मैंने फर्स्ट गियर लगाया और जैसे ही मेरा फ्रंट व्हील क्रॉस हुआ मैं क्लच रिलीज करना स्टार्ट कर दिया ताकि मेरी कार को पावर मिल जाए, पीछे वाले व्हील्स भी क्लियरली निकल सके। तो रही बात फ्रेंड्स, इस तरह से मैं आपको क्लच का यूज दिखाना चाह रहा था कि हमें जब भी जो ट्रैफिक होता है या फिर स्पीड ब्रेकर होता है या ऐसी सिचुएशन होती है, क्लच बहुत बार प्रेस करना पड़ सकता है। देयर इज आप जब ओपन स्पेस में होते हैं तब आपको एक गियर अपशिफ्ट या फिर डाउन शिफ्ट करने के समय क्लच प्रेस करना होता है। अभी देखिए मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने थर्ड गियर अप पुट कर लिया है और कार की स्पीड जो है 30+ की है, और अब मैं वापिस से अपशिफ्ट करूंगा तो ये देखिए क्लच मैंने प्रेस किया, फोर्थ गियर अपशिफ्ट कर दिया, क्लच को रिलीज कर दिया है। क्लच को आप स्लोली रिलीज कर सकते हैं बाइटिंग पॉइंट तक, उसके बाद आप रिलीज पूरा कर सकते हैं और अपने फुट को जो है डेड पेडल पे रख के अपनी कार को आराम से ड्राइव कर सकते हैं। तो अभी देखिए मेरे क्लच का यूज नहीं आया है, मैंने अब शिफ्ट किया है, अब हो सकता है मुझे डाउन शिफ्ट करना पड़े, तो यहाँ पे मर्जिंग ट्रैफिक है और कुछ नहीं, ओपन स्पेस है, तो मैं डाउन शिफ्ट भी नीड नहीं है मेरे को। ये मैंने नॉर्मली एक्सीलेटर प्रेस किया और कार मेरी आगे इस तरह से पड़ती है। तो मुझे क्लच का यूज जो है स्पेशली सिर्फ ट्रैफिक में सबसे ज़्यादा यूज़ पड़ता है, क्योंकि बाद पे आगे कोई भी कार चल रही होती है या व्हीकल होता है, कुछ भी होता है, तो मुझे अकॉर्डिंगली पहले ब्रेक अप्लाई करनी पड़ सकती है या उसी गियर में ही मेरे को हो सकता है कि क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करनी पड़े या फिर स्टॉप होके वापस से स्टार्टअप करना पड़े। तो उसके अकॉर्डिंग ड्राइव करते हैं हम, जैसे हमें रिक्वायरमेंट होता है लोकेशन का या फिर उस सिचुएशन को देखते हुए। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको क्लच के साथ ये बताना चाह रहा था इस वीडियो में कि हम स्टीयरिंग किस तरह से होल्ड करें। सपोज अभी मेरी कार 10, 20 या 30 की स्पीड में है तो हमें नॉर्मली इस तरह से होल्ड करना चाहिए स्टीयरिंग, और सिंगल हैंड ऑपरेशन हो तो आप 12 और 1 के बीच में। ये देखिए अभी मैंने 12 और 1 के बीच में सिंगल हैंड ऑपरेशन के हिसाब से
होल्ड किया अपनी कार को। अभी आपने नोटिस किया होगा किस तरह से मैंने स्पीड ब्रेकर को क्रॉस किया है और क्लच लीज कर रहा हूँ जब मैं अपशिफ्ट कर रहा हूँ तो, और कार को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं वापिस एक क्लच तभी प्रेस कर रहा हूँ जब अपशिफ्ट कर रहा हूँ या डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ। तो स्टेयरिंग की बात ऐसे है फ्रेंड्स, हमें यूजली क्या होता है यहाँ पे और यहाँ पे हमने स्टेयरिंग को होल्ड करना होता है जब हम फास्ट चला रहे होते हैं। सपोज हमारी कार 60-80+ की स्पीड में है तो हम यहाँ होल्ड करके कंट्रोल कर सकते हैं, और यही पैटर्न हम नॉर्मल में भी ड्राइव में फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैंड ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा कंट्रोल चाहिए होता है स्टेयरिंग का, कि राइट और लेफ्ट दोनों आपको एक ही हैंड से ऑपरेट करना है। तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना होता है, यहाँ पे ऊपर के साइड में होल्ड, अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको इजी एक्सेस मिलेगा लेफ्ट जाने के लिए भी और राइट जाने के लिए भी, आपका स्टेयरिंग पूरा मूव करने के लिए। मैं आपको इस वीडियो में क्लच के साथ साथ आपको स्टेयरिंग का भी कंट्रोल दिखाने वाला था फ्रेंड्स। तो अभी आप देखिए, जैसे नॉर्मल मैं 40 की स्पीड में चला आ रहा हूँ और मेरे को जैसे रिक्वायरमेंट लग रही है मैं स्टेयरिंग को होल्ड कर रहा हूँ। अभी तक मैंने दोनों हाथ से होल्ड किया था, आगे आपको दिखाऊंगा सिंगल हैंड ऑपरेशन भी। नॉर्मल स्पीड में जब हम चला रहे होते हैं तो हमें दोनों हाथ इस तरह से रखते हैं, और जब टर्निंग करते होते हैं तो हमें बीच बीच में चेंज करना होता है अपना स्टीयरिंग का। तो आगे आपको टर्निंग में भी दिखाता हूँ मैं किस तरह से हम चेंज करते हैं स्टीयरिंग को या फिर अपने हाई हैंड की पोजिशन को, ताकि हमारा कंट्रोल रहे कार में और स्टीयरिंग टर्न करते वक्त भी हमें ध्यान देना है कि कितना हमें टर्न करना है। अभी यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 60 की स्पीड में है मेरी कार, मैं पहले स्लो डाउन किया हूँ एक्सीलेटर कम्प्लीटली छोड़ के। अभी यहाँ लेफ्ट टर्न लेना है मुझे, मैं स्पीड क्रॉस को डाउन करूंगा, ब्रेक अप्लाई की मैंने, ये देखिए ये अब मुझे जैसे लगे कि और करना है तो मैं इधर से होल्ड करके वापस स्टेयरिंग को ऐसे होल्ड कर लूंगा, फिर जब सीधा करना है तो इस तरह से मैं स्ट्रेट करूंगा। तो इस चीज का ध्यान रखें आप कि आपका हैंड अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो क्रॉस करते समय आपने कितना कितना क्रॉस करना है या फिर आपने कितना टर्न लेना है। अभी देखिए यहाँ से यू टर्न लेता हूँ मैं, आगे होल्ड किया मैंने, ये देखिए स्टेयरिंग को। अभी यहाँ से यू टर्न लेने के लिए मैं स्टेयरिंग, जब मेरा टर्निंग आएगा रियर व्यू मिरर जब आएगा, ये देखिए मैंने राइट हैंड से रोटेट किया, लेफ्ट हैंड से रोटेट किया, फिर राइट हैंड को पकड़ा, फिर ये देखिए क्रॉस किए जा रहा हूँ मैं। अब जब स्ट्रेट करना है मेरे को, मैं इसे ये देखिए क्रॉस लेफ्ट फिर राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड फिर राइट हैंड, फिर ये स्ट्रेट हो गया मेरी कार। मुझे अपनी आसपास के लोकेशन से पता चलेगा मेरी कार किस पोजीशन में है, स्ट्रेट हुई है कि टिल्टेड है, उसके अकॉर्डिंग मैं स्ट्रेट कर लूंगा कार को। और अगर हम सिंगल हैंड ऑपरेट करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा रोटेट करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको अपने हैंड को उतना स्किल करना होगा कि किस स्पीड में आपकी कार है, कितने रेडियस में आपको कार को रोटेट करना है या रिवॉल्व करना है अपने स्टीयरिंग को, उसके अकॉर्डिंग फिर आप रोटेट कर सकते हैं अपना स्टीयरिंग व्हील्स। तो अभी जैसे कि स्ट्रेट रोड है, मैं नॉर्मली हैंड होल्ड करूंगा अपना, ये देखिए इधर और इधर। तो इस तरह से हमें क्या होता है कि अगर जितनी भी स्पीड आए कार में, इस तरह से हम कंप्लीट स्टीयरिंग को होल्ड में रखते हैं, अपनी कार को होल्ड में रखते हैं। जब टर्निंग करना होता है हमें, यू टर्न करना हो या लेफ्ट टर्न करना हो या राइट टर्न करना हो, तो अभी जैसे मैंने आपको दिखाया लेफ्ट टर्न मैंने किस तरह से किया था, राइट टर्न के टाइम में मैंने किस तरह से स्टेयरिंग को लेफ्ट और राइट हैंड दोनों ऑपरेशन के हिसाब से किया था। अब आगे चल के मैं आपको सिंगल हैंड ऑपरेशन में दिखाता हूँ कि मैं राइट टर्न कैसे लूंगा या फिर लेफ्ट टर्न कैसे लूंगा। अभी मैं फोर्थ गियर में 60 की स्पीड में हूँ फ्रेंड्स, प्लस की स्पीड आई है, मैंने कार को होल्ड इसी तरह से किया है जिससे आपके शोल्डर में प्रेशर नहीं है। अगर आप ऐसे होल्ड करेंगे आपका सिटिंग पोस्चर थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है, आप इस तरह से होल्ड करें और बहुत ज्यादा टाइट होल्ड नहीं करें। टाइट होल्ड करने से आप खुद कंफ्यूज होंगे कि राइट करना है तो आपके आर्म्स में भी पेन आएगा, रिस्ट में भी पेन आने लगेगा। आप बहुत स्लाइटली होल्ड करें और जितनी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप टर्न करें अपने स्टीयरिंग को। अभी जैसे देखिए राइट में कार चल रही है जो ये ना राइट लेन में ना मिडिल में है, तो मैं इसके लेफ्ट से आराम से ओवरटेक ले लूंगा, एकदम लेफ्ट लेन में आ गया हूं मैं, ताकि उनके पास स्पेस रहे वो अगर लेफ्ट आना चाहे या राइट आना चाहे, तो मेरे पास स्पेस होगी मैं वो अपने आप को अपनी कार को उनसे दूर रख के, क्यों अगर लेफ्ट आते हैं तो मेरी कार एकदम कंप्लीट लेफ्ट लेन में है तो हिट होने के चांसेस ही नहीं होंगे।
तो आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, ये तीन चार स्पीड ब्रेकर एक साथ है। सबसे पहले तो मैं कार को स्लो डाउन करूंगा, ये देखिए आप, दो चार दो छह स्पीड ब्रेकर है, ये 1 2। अब मैं क्लच को रिलीज कर रहा हूँ, वापिस प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी कार को उतना स्पीड नहीं चाहिए जितनी क्लच पूरा रिलीज करने से मिल जाएगा। तो मैं धीरे से रिलीज किया हूँ, फिर क्लच प्रेस किया हूँ, क्योंकि मेरे को उतनी स्पीड नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा जर्क होने लगेगा। ये स्पीड ब्रेकर है, आपने कंट्रोल अपना क्लच का रखना है उसमें। अगर आपको लगे स्पीड बहुत ज्यादा हो रही है तो आप क्लच प्रेस करिए, देखिए यहाँ पे 4 स्पीड ब्रेकर है, तो मैंने कंप्लीट स्टॉप ऑलमोस्ट कर दिया। ये देखिए वापिस से क्लच प्रेस किया, फिर क्लच रिलीज किया मैंने, ताकि मेरी कार जो है स्मूथली स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकल जाए और मुझे बम्प ज्यादा फील नहीं हो। बम्प ज्यादा फील नहीं करने के लिए मुझे क्लच को धीरे से रिलीज करना है, जैसे ही थोड़ी सी पावर आएगी फिर क्लच वापिस से प्रेस कर देना है, और अगर लगे मुझे तो ब्रेक भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो क्लच का यूज स्पीड ब्रेकर में इसी तरह से करें आप। अगर सिंगल स्पीड ब्रेकर है तो वो तो आराम से आप फर्स्ट व्हील जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, फ्रंट व्हील जैसे ही क्रॉस करेंगे, तो आप फर्स्ट गियर लगा के क्लच को रिलीज करेंगे तो आपकी कार आगे बढ़ जाएगी। लेकिन दो तीन स्पीड ब्रेकर है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, फिर से आ गया है, देखिए आगे में, तो मैं क्या करूंगा कि मैं कार को बहुत स्लॉप स्टॉप कर दूंगा। ये देखिए ये क्लच मैंने प्रेस कर रखा है, थोड़ा सा पावर दिया, फिर वापिस से क्लच प्रेस कर लिया, तो मेरे को जितनी रिक्वायरमेंट होगी पावर की उतनी प्रेस करूंगा, रिलीज करूंगा क्लच को वापिस, नहीं तो मैं प्रेस कर लूंगा। अभी मैं न्यूट्रल कर लिया हूँ, मेरी कार कंप्लीटली न्यूट्रल में है अभी। जैसे ही सिग्नल ग्रीन होगा तो उसके बाद मैं कार को आगे बढ़ाऊंगा और आपको सिंगल हैंड ऑपरेशन में दिखाता हूँ मैं किस तरह से लेफ्ट टर्न लूंगा। ये देखिए ग्रीन हो गया है, अब मैं सिंगल हैंड ऑपरेट करूंगा अपनी कार को, मेरे को लेफ्ट टर्न या राइट टर्न लेना होगा, तो अकॉर्डिंगली मैं किस तरह से मूव करता हूँ अपना स्टीयरिंग।